जाना 7 दिन के लिए सिर्फ, बट जो सामान की पैकिंग में दिखाऊंगा ना, यू वोंट बिलीव। सो चलता हूँ। और हाँ, वो ब्लॉग वहाँ पे खत्म कर दिया था, बिकॉज मैंने सोचा इसका पूरा ये ब्लॉग बना, ये ब्लॉग है स्टार्ट किया, तो इसके लिए हायर नॉट सो ऐसा उससे शुक्र आदा पे हो चुका है। वेलकम बैक टू माई चैनल। हाँ, तो दे प्रशांत, सो बैग दिखाता हूँ मैं। हाँ, दूसरा बैग वहाँ और दूसरा बैग पापा ने हैंग किया हुआ है, तो ये बेसिकली 3 बैग है, मम्मी पापा किंजल और मैं जा रहा हूँ तुम्हें। और आगे से डैनिस और प्रियंका है, 10 o'clock की बस है, तो अभी 9:20 हो, तो अभी फिलहाल वहाँ पे चलता हूँ। भूज जा रहे हैं अपन, भूज गुजरात से, भूज मतलब बड़ौदा से, भूज गुजरात में ही, बड़ौदा से भूज जाते जाते। वी आर रीच्ड हियर, इतना टाइम ना गर्लफ्रेंड भी नहीं करती। अगर गर्लफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड ने बोला 6:30 आ जा, हम वहाँ पे जाते हैं 6:30, वो मेकअप वेकअप करने के लिए 1 घंटे या 2 घंटे ले लेते, चिल शी ऑन टाइम, शील भी ऑन टाइम, मतलब 1 या 2.5 घंटे लेट। बट ये जो बस आ रही है ना, मैन वी आर बीन हियर इट्स ऑलमोस्ट 1 आवर एंड सम स्टिल वी आर वेटिंग, अभी तक नहीं आई। कितने टाइम से हो यहाँ पे? 1 घंटा। जिस हिसाब से बैठे इस हिसाब से उसको पैसा देना चाहिए। छुट्टे दूँ क्या? छुट्टा तीन में ऐसा कर रहा हूँ कि मैं 7 दिन के लिए 7 महीने के लिए जा रहा हूँ, 7 months, you know, बिकॉज 7 से 9 लोग छोड़ने आए, 3 बैग मैंने कैरी किया हुआ है। कितने महीने के लिए जा रहा हूँ मैं? 3 बैग नहीं ला जे रीते बैठी जाए बे थी से हमला नहीं रे, इतनी बीमारी नहीं है मेरी बहन, जल्दी बस आ जाए, थोड़ा टाइम निकल जाए, पहुँचते देखते भूज में क्या सीन रहता है। और डायरेक्ट रैम देना है? नहीं, रैम की नौबत अभी नहीं आएगी। सो बेसिकली इट्स 1:17 और अभी के वक्त आई एम समवेयर इन अहमदाबाद, और जिस हिसाब से ड्राइवर ने बस चले ना वैसा, FNB फेल हो जाए इसके सामने, कतई शहर पॉजिटिव वे में मतलब गलत वे में ही लो, बिकॉज गलत वे बोलो कभी यहाँ कभी वहाँ, इवन इतनी अच्छी राइड तो इमेज के वाले भी नहीं देते। इतना थ्रिल एक्सपीरियंस करना हो ना तो इमेज के मत जाओ ऐसा ना, ये चीज़ RTC वाली वॉल्वो बुक कर लो, वॉल्वो नहीं इतना ही, कौन सी थी वॉल्वो स्लीपर, हाँ वो ऐसी स्लीपर, पर ऐसी इसका कुछ, हाँ मतलब ये सर यहाँ पे आ जाओ, इमेज का मत जाओ, 1500 मत डालो, 750-700 रुपये में आपको पूरा इमेज का यहाँ घूमना मिल जाएगा। भूज जाके भी आ जाओ, हाँ भूज जाके वापस भी आ जाओगे। तो अभी तक का जो रास्ता था ना, ऊपर खाबड़ रास्ता ठीक है अभी कह सकते हैं, बट बहुत रफ चल रहा है बेटा, कभी कभार तो यहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ तक। अभी देखते हैं सुबह कब हो जाती है, अभी एक बार नींद लगे ना फिर दिक्कत नहीं, सुबह होने में कोई वांता नहीं आएगा, ऐसी आँख लगी सुबह हो जाएगी, आँख खुल जाएगी, बट आँख लगना भी एक मुश्किल है। हाँ इसी सबसे चला रहा है ना, मुझे नहीं लग रहा कि आँख लगेगी भाई साहब। लेट्स प्रे फॉर द बेस्ट, देखते हैं अभी क्या होता है। Finally, we reached to the destination, Government Engineering College. Wait a minute, I'll show you. This is the college. अभी अंदर का क्या सीन है वो तो अंदर जाके पता चलेगा, बट फॉर नाउ वी आर हियर। मेन बात एक ये बतानी है कि आप कोई भी नई सिटी में जाओ या कोई भी नई स्टेट में जाओ, जैसे आप कोई भी स्टेशन पर उतर दो, बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन, तो हर रिक्शा वाला और हर टैक्सी वाला आपको ढांपने की पूरी प्रिपरेशन करके बैठा होता है, सर आओ मेरे जाल में फंस जाओ। तो बस द थिंग इज़ कि जैसे आप यहाँ आओ तो एटलीस्ट ऑनलाइन रेट चेक कर लो ये कौन से है, तो उस हिसाब से आपको एक रफ एस्टिमेट आ जाएगा कि क्या सीन रहता है, तो उस हिसाब से आप खुद को डबने से बचा सकते हो, आई मस्ट से, राइट। सो लेट्स लीव फॉर नाउ, अंदर जाते हैं। लगेज कुछ ज़्यादा ही यार, 3 बैग्स, यू नो ये भी सेम 7 डेज के लिए हुआ,
पर उसका लगेज वन बैग एंड द फोर सेकेंड वन इज फॉर द स्कूल बैग ओनली, कॉलेज बैग ओनली। हर बार स्कूल स्कूल निकल जाता है यार मुझसे। कॉलेज छुट्टा नहीं है ना, नहीं स्कूल छुट्टा है ना। हाँ, और मेरा देखो ये मम्मी का कुछ ज़्यादा ही प्यार है मेरे पास। प्रिपरेशन खत्म करते हैं और देते हैं आगे का अपडेट क्या सीन रहता है। आप लोगों ने अभी जो क्लिप देखी ना वो एक्चुअली मेरे कॉलेज कैंपस की थी। अगर मैं मेरा कॉलेज आपको डिस्क्राइब करने जाऊँ ना तो एक हिसाब से मान लो ये पूरा बड़ा सर्कल जैसा एरिया है इसका मान लो। तो यहाँ जहाँ से एंटर हुए और आपको कॉलेज दिखा वो कॉलेज के पीछे साइड आती है बॉयज हॉस्टल, जैसे फोर बॉयज हॉस्टल इन माई कॉलेज। और बॉयज हॉस्टल के बाद एरिया आता है फैकल्टी और अथॉरिटीज के रहने के लिए, और उसके बाद आते थोड़ा पार्क, वो पार्क के क्रॉस करके वहाँ के उसके बाजू में आएगी गर्ल्स। इसी हिसाब से पूरा कॉलेज आता है। और वो गर्ल्स हॉस्टल के एग्जिट सामने आता है बड़ा मैदान, वहाँ आता है क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो या कुछ भी कर लो। तो दैट्स हाउ दिस कॉलेज सेटल इन अ पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया। मैंने आपको चीज़ सब दिखाया ना एक प्लेस ऐसी, तो कॉलेज में इतनी सारी जगह है ना कि अगर आप वहाँ पे जाके बैठ जाओ ना सनसेट के टाइम या सनराइज के टाइम पे, तो आपको लगेगा कि आप कॉलेज में नहीं कि कोई हिल स्टेशन पे घूमने आए हो और ये मजे ले रहे हो। बट चीजें ऐसी है बिकॉज कॉलेज बहुत मस्त जगह पे, और एक्चुअली मेरी कॉलेज सीनिक है तो अगर फ़ायदा मिले तो उठाओ क्यों ना। तो बस यही कहना था, बिकॉज उसके बाद तो मैंने व्लॉग किया ही नहीं था, तो बस व्लॉग यहाँ पे रखे थे। फिर फिलहाल व्लॉग को लंबा नहीं करते, फिर अगर लंबा करूँगा तो फिर आपको बताइए। तो बस व्लॉग को यहाँ तक रखते हैं। आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करने की पूरी आज़ादी है भाई। आपका ही व्लॉग है, आपका ही व्लॉग मान के चले। अच्छा लगे तो लाइक, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक, और अच्छा लगे शेयर और कमेंट कर दो यार। सब्सक्राइब करना तो बनता है, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें बिना जाने ही मत। तो बस आज के इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट। देखो फंबल हो रहा है आपकी वजह से। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने तो पास रहे, साथ रहे, खास रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहे, देखते मैं व्लॉग्स सूर्य प्रशांत। आज के बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है, बाय। और अपने घर में रहे सुरक्षित, बिकॉज बहुत बढ़ रहे। तो आज के बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए।